ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੀ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हम लोग जा रहे हैं ट्विन टावर पे। जन्म का रास्ता अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ, मैं आ गया हूँ साथ के पास, होटल में है वो भी, और रात को बड़ा एंजॉय किया। अभी तक आंखें नहीं सही खुली, नींद पूरी नहीं हुई। इतना फ़न किया, इतना फ़न किया। प्रॉब्लम बस हुई वो जो माइक का इशू हो गया ना, वॉइस ओवर करना पड़ा। वो ना होता तो इतना मज़ा आना था। खैर, जो कमियां कर रह गई उनको आज पूरा करेंगे, और अभी चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। I was getting ready. I'm not ready yet, but I was waiting for my white shirt. आ जाओ, आ जाओ। वैसे एक बात बताऊँ, रेडी ना हो के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा छोटा सा गरीब खाना जिधर से रात को आवाज आती रही है, और ये वाइल्ड शो एनिमल वाइल्ड जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड पे, और ये छोटा सा एसी है। बस ये छोटा सा रूम मिलता है जब आप थोड़े से पैसे दो किसी भी होटल में, तो यही मिलता है, यही मजा। अच्छा एक बात बताऊं, रात को जो आधी वीडियो थी ना, माइक का इशू हो गया यार। अब क्या, अब मैं उस पर वॉइस ओवर करूंगा, लेकिन वो इतना फाइन, उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, उसमें मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। कहाँ से कट हुई है वो वीडियो? चलो ये भी वीडियो चल रही है। मैं भी, तो ये मेरी पहली सुबह है आज केएल में। तो जैसा कि महर राजी आए हैं मुझे सुबह सुबह शाहाना तरीके से इस्तकबाल करने के लिए N&Z होटल के अंदर, तो अभी लेट्स गो, हम लोग चलते हैं और जाके एक पाकिस्तानी होटल में जाके खाना खाते हैं। मैंने से ये सर्टेनली दोबारा रिक्वेस्ट किया कि होटल सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुझे कल जितना मज़ा है, रात को भी मेरे जो गले में जायका जा रहा था खाने का, और रहा है हमेशा से, इतना मज़े का खाना था। अभी दोबारा जाके पाकिस्तानी होटल में खाना खाते हैं, अगेन सेम होटल में खाना खाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने शायद कल खाया था, या कोई डिफरेंट। चलो डिफरेंट होटल में जाएंगे इंशाल्लाह, और एक्सप्लोर करेंगे मजीद केएल को। आज मुझे लगता है कि आज का दिन ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास पूरा दिन है, पूरा का पूरा केएल एक्सप्लोर करने के लिए। नींद पूरी है, नींद पूरी है मेरी। सुबह से लेकर रात तक हम लोग केएल को एक्सप्लोर करेंगे, और मैं थकने वाला नहीं हूँ। मैं पूरा केएल देखूंगा आज इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पहले तो जी हमने क्या लिया, और हम लोगों ने बुफे सिस्टम को एक्सप्लोर किया, जिसमें से महर राजी ने डिफरेंट पॉट्स में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली, ताकि मैं सब कुछ टेस्ट कर सकूं। एक एक खाने को मैं टेस्ट करूंगा आज और देखूंगा कि कैसा बनता है, आया कि ये घर जैसा है या नहीं। साथ महर राजी ने ये कुछ पराठे आलू वाले सादे ऑर्डर किए हैं, और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा। आई वॉन्ट हिम टू क्लोज दिस वीडियो वेरी सून। ये लस्सी का गिलास है जो कि गुजरों की शान पहचान आन बान, और मैं अब खाने की तरफ ध्यान दूंगा। डजेंट मैटर कि वो वीडियो बना रहा है या नहीं बना रहा, मैं खाने पे फोकस करूंगा। मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। चलो चलो चलो, लस्सी को धोखा देने का इरादा है। और साथ ये अचारी चिकन है हमारे साथ, साथ ये कीमा है, साथ चने का सालन है, साथ ये मटन है, साथ आई डोंट नो दाल है, चिकन अचारी है, दाल है, और साथ ही मिक्स सब्जी है, साथ आलू वाले सादे पराठे हैं। खाना खा के दोबारा से एनर्जी चूँकि आ चुकी है। सुबह का नाश्ता जब बंदा पराठों से, लस्सी से, और तरह तरह के जो सालन है उनसे करे, खत्म कर दी है पूरा जग। हम लोगों ने लस्सी का खत्म किया है माशाल्लाह। तो मेरा जहन ये है कि अब हम लोग केएल को घूमेंगे, और चूँकि मुझे पता नहीं है कि किस जगह पे जाना है, इसलिए मैं राजी से मैं मशवरा करूँगा कि हम लोगों को पहले किस जगह पे जाना चाहिए। पहले चलते हैं ट्विन टावर, ठीक है, वहाँ पे फॉरनर को ढूंढते हैं, उससे गपशप करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, आपको पता है कि हम कभी ऐसा करते नहीं है। रात को किया है। वो तो मेरे ससुराल के थे ना, आप समझते हैं ना, वो ससुराल ये थे, ससुराल से तो मतलब वैसे ही जरा तो ससुराल ढूंढते हैं। जी जी इंशाल्लाह, कोई फ्रांस का या कोई कनाडा का ढूंढते हैं, तो फिर हम लोग उससे गप मारते हैं जाके। चले ठीक है जी, ठीक है। और हमारे साथ आज थर्ड पार्टनर भी है, कैमरा मैन उसको बना लेंगे। कैमरा मैन नहीं, हम लोग उसको अपने साथ रोल करेंगे। मैं राजी ने ये कहा है कि ये कम बात करता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन, जिस तरह मैं इंसानों के बारे में जानता हूँ, मैं कहूँगा कि ये बंदा अच्छी बात करता है और अच्छा कम्युनिकेशन क्या इसके रखता है ये बंदा, ठीक है, अपना अबूड रखता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज हम लोग तीन बंदे कैसे इंजॉय करते हैं। चलो जी, अच्छा नोट रखने का तरीका यही है, आप चेंज नहीं कर सकते शक्ल उसकी, ट्राई कर लेते क्या ही के बना के तो कर लेगा कहना कि चुके चुके। कहाँ जा रहे हो अब? अभी हम KL जाएंगे, पता नहीं अब किसी मोतरे 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 शबी शबी पिटिए पिटिए भाई हाउस में नहीं जाना। अच्छा सॉक्स हैं क्या क्या भाई? शर्त क्या है? अच्छा शर्त ये है कि हम लोग बॉलिंग का मैच करेंगे और साथ पूल का मैच करेंगे, तो जो हारेगा वो हमें डिनर कराएगा। हम तीन बंदों का आपस में मैच है, लेट्स सी कि कौन जीतता है और कौन हारता है, हारने वाला डिनर करवाएगा। तो लेट्स सी अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आप बॉलिंग का रिव्यू दिखा भी सकते हैं। तो ये बॉलिंग से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद पूल का देखेंगे। पूल पे शर्त अलग होगी, साथ पूल पे शर्त अलग होगी, पूल पे शर्त अलग होगी। चलो ठीक है, बॉलिंग पे भी है। चलो ठीक है। मुझे लग रहा है मिस हो गया, देखने की जरूरत ही नहीं है। और रिजवान डिनर के लिए नहीं नहीं, और ये फीमेल्स वाला बॉल चूज करता है हमेशा से, पिंक। कंफ्यूज कर दिया मुझे तुमने। जैसे कि हालात हो रहे हैं मेरे ख्याल से, इतना सीरियस फेस क्यों है भाई? दांत में है ना, दांत निकालो। तो ये हमारे आज के रिजल्ट हैं। 133 फॉर इरफान, बिग क्लैप फॉर इरफान, और 78 जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन इन द हाउस, और लूजर ऑफ द डे, क्लैप फॉर द लूजर। और अपना वॉलेट छुपाते हुए, क्योंकि आज इसने हमें डिनर करवाना है। इसी ने शर्त लगाई थी कि जो हारेगा वो खाना खिलाएगा। कोई नहीं, मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट चलते हैं। देखा आगे अपनी औकात पे गरीबी वाली हालत से कहते दोस्त के रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेट्स गो, सो वी विल क्लोज फ्रॉम हियर नाउ। प्यास लगी है असल में। जब आप बाहर मलेशिया के रोड पर घूमते हो तो इतनी गर्मी होती है कि आपको जब भी 7-Eleven नज़र आता है आपको ठंडे ठंडे ड्रिंक्स याद आते हैं, तो क्यों ना एक ठंडा ड्रिंक ले लिया जाए। 7-Eleven की खासियत यह है कि ये बैंकॉक में, थाईलैंड और मलेशिया में ये 24 घंटे खुला रहता है। आप किसी भी टाइम आओ तो ये ओपन होगा, आप यहाँ से कभी भी ड्रिंक ग्रैब कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चीज़ें महंगी तो नहीं होती यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं महंगी होती है नहीं। तो हम लोग लेंगे रेड बुल, हम लोग रेड बुल लेंगे, और ये 174 कंट्री में अवेलेबल है। ओह, सो इन्फॉर्मेशन इज दैट इट्स अवेलेबल इन 174 कंट्रीज इन द इंटायर वर्ल्ड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक शुगर फ्री 25% लेस शुगर रेड बुल, एंड वी विल फील एनर्जेटिक नाउ, है ना। अच्छा, ए साडे पंजाबी भरा ने पंजाब चढ़ते पंजाब तो जो साढ़े नारोवाल की पल्ली साइड पर लगता है, पाकिस्तान का जो हिस्सा है नारोवाल वो पल्ली साइड पर इन्होंने चढ़ा पंजाब लगता है, तो उतों लद्दा पंजाब साढ़ा लगता है। नारोवाल तो अगे सियालकोट है, साढ़ा लद्दा पंजाब सानू लगता है। तो अज इंशाल्लाह मलेशिया के सिर्फ एक काउंटर ना ना होंगे, तो इन्हें सानू मिला दिता ही आपस में। करता गया साढ़ा इंडिया पाकिस्तान कट्ठा हो गया। अज मेरा पहला दिन है मलेशिया, तो मैं अपना इंडियन भरा मिल गया, मेरा पंजाबी मिल गया। यह सानू वखरिया कर दिता ही गोरिया ने, यह सानू अज मिला दिता है। किन्होंने मिलाया, गोरिया ने क्या आपी मिले? गोरिया ने, गोरिया के डॉलर खर्च के आए। साथ किधर जा रहे हैं हम? तो हम लोग वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ट्विन टावर, और ये मेरा पहला एक्सपोजर है KL का इस साइड का एरिया, क्योंकि मैं कल से सिर्फ यही विश कर रहा था कि ट्विन टावर विज़िट करें। तो अभी हम लोग तीनों बाई ट्विन टावर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता है, एक दफ़ा दिखा दें इनको कि रास्ता कैसे है। ये एक ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये सिटी के कुछ एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करता है, ताकि आप अगर ट्रैफिक में जैम है या ट्रैफिक जैम है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर, तो आप लोग इस ब्रिज को यूज़ करके इजीली एक एरिया से दूसरे एरिया पे जा सकते हैं। इट्स क्वाइट अ गुड वॉक एज़ वेल, और बहुत स्मूथ वॉक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जैसे लोग हमेशा इसी पैसेज को प्रेफर करते हैं। तो हम लोग इसी पैसेज के थ्रू, इसी ब्रिज के थ्रू ट्विन टावर पर जाएंगे, और वहाँ पर जाके आपको ज्वाइन करेंगे। सी यू देयर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कि पहुंच गए, आ गए वो आगे बस। और ये हमारा ट्विन टावर, और देखते हैं कि इसको करीब से देखेंगे मजीद। अभी तो हम लोग रास्ते में हैं, अभी ब्रिज का जो पैसेज था वो हम लोग पास कर चुके हैं। अभी ये थोड़ा सा गार्डन पार्क एरिया आ गया है जो कि क्वाइट डिसेंट है। आई एम सीइंग फैमिलीज़ हेयर कि वो अपने बच्चों के साथ आए हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वेदर भी आज बहुत अच्छा है, तो मेरे नज़दीक मेरे लिए बेस्ट डे है इसको विज़िट करने के लिए। किस जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं ट्विन टावर पे, एजन नंदा रास्ता। तो ये साथ जैसे कि हमने कहा था कि हम कुआला लंपुर को तुम्हारी नज़र से देखेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, तुमने अपने तरफ से रिव्यू देना है जैसा भी तुम्हें लगे, ठीक है। सो फार मैं इस चीज़ के ऊपर एडमिट करूँगा कि मैंने कुआला लंपुर को अंडर एस्टिमेट किया था कि ये इतना प्यारा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बैंकॉक से चूँकि एक्सपोजर और एक एक्सपीरियंस लेके आया था, लेकिन सो फार मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड। I think that this is the middle of the Kuala Lumpur and we are seeing the twin tower from this way। और हर शहर के अंदर दुनिया में जितने भी सिटीज़ हैं उन सब का एक एरिया ऐसा होता है जिसको जो पूरे के पूरे सिटीज़ की प्रेजेंटेशन देता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दैट। यहाँ पे आपको पब्लिक एरिया मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को फॉरनर्स मिलेंगे, पीपल फ्राम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कल्चर्स आई एम सीइंग, और एवरीबॉडी इवन कैन स्पेंड टाइम विद क्वालिटी एंड सूथिंग टाइम। तो सबसे ये जो वाटर का साउंड है पीछे, ये सो सूथिंग है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, अगर आप अपने बच्चों के साथ हो और आप यहाँ पे बैठना चाहते हो किसी भी जगह पे, विच इज़ यू कैन एक्चुअली हैव योर प्राइवेट स्पेस, नो बॉडी इज़ एक्चुअली बॉडरिंग यू, स्टेरिंग एट यू, नो बॉडी इज जजिंग यू दैट वेयर आर यू फ्रॉम, एट वट सेक्टर यू बिलोंग टू। कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर सकते हो, लुक यू कैन डू एनी थिंग, इट्स सो फन एंड इट एक्चुअली प्रेजेंट्स दी true picture of Kuala Lumpur, that diversity and arts and full of diversity and arts and full of cultures. It feeds your body, you know, the sound of water, it actually energize and lit the spirituality factor in your body. आपके अंदर एक रूहानी जो मज़ा है ना, वो ये पानी का साउंड जो है, जो एक हवा है यहाँ पे जो ठंडी सी चल रही है, और सेंटर ऑफ कुआला लंपुर के अंदर ट्विन टावर की जो बिल्डिंग्स हैं इनके सामने ये सूथिंग टाइम अगर आप गुजारना चाहते हो तो यू कैन नॉट फाइंड एनी बेटर प्लेस अराउंड दिस। ठीक है, एक चीज़ है, मेरा ना एक दोस्त कहता है कि अगर आप कुआलालंपुर जाएं और आप ट्विन टावर के साथ पिक्चर ना लें तो आप कुआलालंपुर नहीं गए। बिल्कुल, और मेरे पिक्चर ले तस्वीर ना ले जमया ही नहीं, समझो कि आप कुआलालंपुर में अगर यहाँ पे आके पिक्चर नहीं बनाते तो समझे कोई मानेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे आए थे। हाँ। लोग ये कहेंगे थे यार भाई लेडीज पार्क है पिंडी का, ठीक है, ऐसे नहीं मानेंगे लोग, ठीक है। तो पिक्चर ले लेते हैं, हम लोगों को ये एफ9 पार्क नहीं है पिंडी का, ये कुआलालंपुरी है। तो लेट्स टेक अ पिक्चर टुगेदर और हम लोग उसको शेयर करेंगे जल्दी, ठीक है। जो डिनर मैन को करवाने लगा खफुन कैप। अब ये क्या है खफुन कैप? खफुन कैप इसका क्या मतलब? खफुन कैप मीन्स थैंक यू रजी फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस प्लेस, इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू खफुन कैप। सबसे मजे की बात एयरकॉन। और यार बाहर घूम के बड़ा पसीना आ रहा था, अभी इनको डिनर करवाने लगा जो मैं हारा हूँ। बिल्कुल, शुक्र है शर्म कर लिया इसने, हम लोग इसको आधे घंटे से एहसास दिला रहे हैं। और जो अब तो खिला दो यार, उनका बिहेवियर देख के मैंने अंदाजा लगाया कि ये खाने के काबिल नहीं है। अच्छी चीज़ डिजर्व नहीं करते उनको, मैं सही बात टेक्सचर चिकन खिला रहा। हम लोग बिल्कुल अच्छी चीज़ डिजर्व नहीं करते, इसलिए ये हमें मिल गया, नहीं तो शायद हमें कुछ और अच्छा मिला होता, लेकिन हम लोग डिजर्व भी नहीं करते, हमें यही मिला। चलो कोई तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? मेरी बात शक्ल देख के अंदाजा लगा लें तो क्या फीलिंग है इस टाइम। सही बात है, हम दोनों भाई काम चोर है, चला इनसे जा नहीं रहा। बातें ये क्या फिटनेस की करते हैं, दोनों जिम करते हैं, दोनों से चला नहीं जा रहा। सही बात है, खुद बैठा हुआ था उधर, और बैठ के वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, जारी बात है, बात करना चलना आसान काम है, तो ये हम लोग कर रहे हैं और ये बैठा हुआ है। तो जो मैं शर्त हारा था डिनर मैंने इनको करवा दिया, टेक्सस चिकन, ठीक है। दोनों बंदे वो उधर लगे हुए हैं, बस ठीक है ना, डिनर हो गया ना, एंड कर दें। पूरी लाइक हाँ बस वही ठीक है मेरे लिए। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं, मिलने के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डिनर इनको करवा दिया और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पे होगी। see you in the next video. Bye.